अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि जो फ्रेश इंजीनियर है वो किस तरह आसानी से सार जॉब हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और आप भी फ्रेश हैं और आप जल्दी जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कि आपको जिस भी किस्म की जॉब चाहिए, जैसे कि आप ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं या फील्ड में जॉब करना चाहते हैं, आप डिज़ाइन का काम करना चाहते हैं, आप साइट इंजीनियर की जॉब करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड अपना जो बेसिक नॉलेज है वो अच्छी तरह हासिल कर लें। उसके लिए आप डिफरेंट यूट्यूब वीडियोज यूज कर सकते हैं, कुछ दिन साइट पे जाकर या किसी भी दोस्त के साथ जो पहले से उस से रिलेटेड जॉब कर रहा है, तो आप कुछ बेसिक मालूमात, बेसिक नॉलेज लाजमी हासिल करें, ठीक है, क्योंकि आपका जॉब एक्सपीरियंस नहीं होता। इसलिए जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको बेसिक नॉलेज की बुनियाद पर ही सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और अगर आप अभी इंजीनियर कर रहे हैं, जैसा कि आपका आखिरी साल चल रहा है या अभी आप न्यू सिविल इंजीनियरिंग के लिए एंटर हुए हैं, तो आप को लाजमी ये काम कर लेना चाहिए कि साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को भी हासिल करें। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आप साइट पर जाएं, आप फील्ड में जाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी एक चीज़ से रिलेटेड आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के एक कनाल का घर बनाना है, उसकी ड्राइंग से लेकर उसकी एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक आपको सारे का सारा बेसिक नॉलेज हासिल होना जरूरी है। अगर आप 4 साल की डिग्री हासिल करके एक कनाल का घर आप नहीं बना सकते, आप उसका ड्राइंग नहीं बना सकते, आप उसकी जो इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तो जाहरी बात है कि जो कंपनी आपको सैलरी पर आपको रखना चाहिए वो आपको क्यों रखेगी, ठीक है, वो आपको सैलरी किस बात की देगी जब आपको बेसिक नॉलेज का ही नहीं पता, ठीक है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि आपको लाजमी बेसिक नॉलेज का होना जरूरी है, ठीक है। बेसिक नॉलेज से मुराद है जैसा कि एज पर साइट आपको डिफरेंट जो बेसिक मालूमात, तो जैसा कि क्लियर कवर कितना होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल स्टील रिइंफोर्समेंट स्पेसिंग कितनी होती है, उनका पर फुट या पर मीटर केजी में वेट कितना होता है, ठीक है, इसके अलावा ऑटो लेवल रीडिंग वगैरह कैसे की जाती है, ठीक है, और इसके अलावा आपको कंक्रीट की जो पोरिंग है उससे रिलेटेड तमाम मालूमात होनी चाहिए, ब्रिक वर्क से रिलेटेड तमाम नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। लेआउट आपको लाजमी करना आना चाहिए, जैसे वन कनाल का लेआउट है या कोई घर का लेआउट है, ये आपको लाजमी करना आना चाहिए। उसका गुनिया वगैरह का आपको लाजमी पता होना चाहिए कि उसका गुनिया वगैरह कैसे निकालते हैं। ड्राइंग आपको लाजमी रीड करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम जो बेसिक नॉलेज है इसका होना लाजमी ज़रूरी है, ठीक है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और इस उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत फायदा देगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।